दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए भोपाल में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। दरअसल एमपी नगर कोचिंग हब पहुंची प्रशासन की टीम और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। अगर कोचिंग में आने जाने का जब एक ही रास्ता मिला तो ऐसे में कार्रवाई की गई। आपात स्थिति में निकलने का कोई वैकल्पिक मार्ग तक नहीं है, ऐसे में अग्निशमक यंत्र भी यहां नहीं होना यह भी एक कारण बना और दो कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। कोचिंग संचालकों पर अब आगे कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली में हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में जो पूरी दुर्घटना हुई बारिश के समय में, उससे सबक लेते हुए भोपाल के ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद अब राजधानी भोपाल में भी ऐसी कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई होने लगी है जहां पर बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही थी। ये एमपी नगर की कोचिंग क्लासेस है, जो देखिए आप प्रशासन यहां पर कार्रवाई करते हुए इस कोचिंग क्लासेस को सील कर रहा है और यहां पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट भी थे और प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पहला कोचिंग क्लासेस है ओरसस जिसको यहाँ पर सील किया गया है, सील किया जा रहा है और इसके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर कोचिंग सेंटर वालों को हिदायत भी दी गई है कि इस तरह के बेसमेंट में कोई भी कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्रशासन का अमला कार्रवाई करते हुए यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं इसकी जानकारी प्रशासन की टीम ले रही है और इसको सील करने के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ये देखिए पंचनामे पर अफसर हस्ताक्षर करवाते हुए साइन करा कर ये कोचिंग क्लासेस से कि यहाँ पर क्या क्या नियम का पालन हो रहा है और क्या नहीं। तो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर है जिसको बंद कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई प्रशासन के आज शुरू कर दी गई है। हम कोशिश भी करते हैं यहाँ पर सर आशुतोष शर्मा जी, हम सर कार्रवाई की गई आज पहली कोचिंग सेंटर पे, क्या खामी मिली यहाँ पर किस तरह? देखिए बेसमेंट में हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि क्लासेस कभी संचालित होती होंगी, उसमें टेबल कुर्सियाँ पाई गई, बोर्ड पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो बेसिकली बेसमेंट जो है परमिटेड नहीं है, ये एमपी नगर कमर्शियल क्षेत्र है, हमने ऑफिस बंद कर दिया है। कंप्लायंस रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। सर और भी इस तरह कोचिंग सेंटर की अभी बेसमेंट में चल रहेगी, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कोटेल एकेडमी भी हम गए थे जाँच के लिए, कोटेल एकेडमी पर हमको क्लासरूम में ताला मिला पर चूँकि वो भी प्राइमर फेसी बेसमेंट में ही था, हमने उसको सील कर दिया है। अब कार्रवाई लगातार जारी रहेगी बेसमेंट में, कोई भी चला रहेगी बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियां संचालित ना हो और उसके अलावा भी सुरक्षा के अन्य मानकों पे भी हम जांच करेंगे। सर फायर सेफ्टी आर्म्स को लेकर भी बात आती है, इसको लेफ्टी पे भी हम जांच करेंगे। हमारे साथ फायर सेफ्टी ऑफिसर्स भी हैं, सतपुड़ा से भी हमने इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया है, साथ में है हमारे वो। लिफ्ट ऑडिट भी हम देखेंगे, यदि कहीं लिफ्ट इस्तेमाल होता है तो ऑडिट उसका कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कोई फायर एग्जिट है कि नहीं है, यहाँ जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार से कभी ब्रीफ किया गया है कि नहीं कि आपातकालीन स्थिति पे क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और सीधे चलते हैं शैलेंद्र चौहान के पास, हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तीन बहुमूल्य जान चली गई दिल्ली में और उसके बाद दिल्ली का प्रशासन तो जागा नहीं लेकिन उसका असर भोपाल में दिखाई दे रहा है, ये अब ये अच्छी बात कहें, सकारात्मक बदलाव कहें या फिर ये कहें कि खामियां थी तो वो सामने आ रही हैं? हाँ देखिए बिल्कुल, दिल्ली के हादसे से सबक लेने के बाद प्रशासन और राज्य सरकार सजग हुई। सबसे अहम है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एमपी में इस तरह का हादसा ना, उसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए जाएं और सारे कोचिंग क्लासेस जितने भी चल रहे हैं सारे सेंटर्स की जाँच हो, बाकायदा इसके लिए सूची बनाई जा रही है। हम एमपी नगर क्षेत्र में खड़े हैं भोपाल के, यहाँ पर 55 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिसमें से आज दो कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हम हमारे सहयोगी से भी कहेंगे, यदि कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आज ये बेसमेंट में यहाँ पर ओरस एकेडमी है जिसका कोचिंग क्लास चलती थी और वो सील किया गया है। सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो बेसमेंट में जब प्रशासन की टीम आई, जब मौके पर निरीक्षण किया तो यहाँ पर बेसमेंट में पानी मिला, पानी भरा हुआ था यहाँ पर और पानी भरा होने के साथ ही यहाँ पर जो कुर्सियाँ थी, टेबल थी, स्कूल की तरफ एक कोचिंग क्लासेस की तरफ से ये कहा गया तर्क कि यहाँ पर क्लास नहीं थी, लेकिन जब प्रशासन की टीम ने मौके पर जांच की तो निश्चित ही वो मिला कि यहाँ क्लास चल रही थी। हम और साथी से कहेंगे कि अंदर भी सहयोगी हमारे आपको दिखाएंगे। अरे इधर बताना कैमरा जरा, ये कोचिंग क्लासेस वाले। अरे हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल। आप देखिए किस तरह कोचिंग सेंटर वाले एक नियम के खिलाफ क्लास चला रहे हैं और यहाँ पर कोचिंग क्लासेज यहाँ पर नियम के खिलाफ चला रहे हैं, बेसमेंट में कैमरा चालू है और उसके बाद यहाँ पर दबाव बना रहे, दादागिरी कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुप रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर मनमानी की जा रही है, सेंटर क्लासेज दिल्ली में भी कुछ ऐसी दादागिरी की गई थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसी दादागिरी की गई थी, वहाँ पर तीन लोगों की जान चली गई, सेंटर यहाँ दादागिरी रही है। किस तरीके से इतने लोग मर गए बेसमेंट में, आप गलत क्लास चला रहे हो, आप बेसमेंट में गलत क्लास चला रहे हो, पानी भरा हुआ से पूछिए, कहा है कि पानी भरा हुआ। और आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर किस तरीके से मनमानी आपको दिखाई दे रही, कोचिंग क्लासेस वाले सेंटर वाले अपनी बात रखने की बजाय कोचिंग माफिया बने हुए अंदर जाने से रोक रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अव्यवस्था है, जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ते थे जिनकी जिंदगी जोखिम में थी, उन जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद करने की, या जिस तरह का दिल्ली पूछिए इनसे क्या कोचिंग माफिया बनना चाहते हैं क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही बात कर रहे हैं कि कोचिंग माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओरस एकेडमी है और आपको लाइव दिख रहा होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर, यहाँ प्रशासन की कार्रवाई के बीच देखिए आपको यहाँ पर सबको रोका गया, यहाँ पर कुछ लड़के बुला लिए गए और यहाँ पर जो कोचिंग क्लास गलत तरीके से चल रही है उसको रोक कर और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीके से तो आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो और उसके बाद यहाँ पर देखिए टेबल लगाकर और इस कोचिंग के अंदर कितनी बड़ी खामियां थी, उन खामियों को छुपाने का दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बकायदा क्या शैलेंद्र, स्टूडेंट्स को अंदर कैद किया गया है, जिस क्या स्टूडेंट्स को जबरन अंदर बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन की टीम जहां पर आई, काफी स्टूडेंट्स थे और कई स्टूडेंट्स अभी भी बताया जा रहा अंदर है, इसीलिए कोचिंग क्लासेस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि बच्चे सच बोलेंगे, बच्चे बताएंगे कि किस तरीके की लापरवाही है, किस तरीके। आप क्यों रोक रहे हो अंदर, अगर बच्चे नहीं है तो आप रोक क्यों रहे हो अंदर? सील है, देखो आप अंदर दिख रहे हो ना, सील हो गया, देख लो क्यों बंद कर दिया आपने? अरे जब सील हो गया तो बंद है, प्रशासन ने बंद किया, हमने थोड़ी किया, प्रशासन का बंद क्या? सील बताओ आप, यहाँ अंदर सील लगी हुई है पूरी, सील उधर लगी है, हाँ वो लगी सील, देखो आप गेट पे, ये देखिए आप, ये बाहर से बेसमेंट में सील लगी लेकिन यहाँ पर कोचिंग क्लासेस की मनमानी जारी है और यहाँ किसी को जाने नहीं जा रहा है, बहाना बना जा रहा है, कुछ बच्चे भी अंदर हो सकते हैं और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे अपनी बात रखें, यहाँ पर सच कहें। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की बड़ी इंतहा है, बड़ा यहाँ पर हादसे को न्योता देते हुए कोचिंग क्लासेस एमपी नगर में बहुत संख्या में और यहाँ पर ये एकेडमी में भी मनमानी जारी, इसी तरीके से और भी कोचिंग क्लासेस हैं और यहाँ पर जिस तरह असहयोग किया जा रहा, मीडिया को जिस तरह रोका जा रहा, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह की स्थिति है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये किस तरीके से मनमानी दिखाई दे रही है, प्रशासन की टीम यहाँ से अब कार्रवाई के बाद से हट गई, इसके बाद से यहाँ सबको रोका जा रहा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अव्यवस्था का आलम है, बड़ी अव्यवस्थाएं, बड़ी लापरवाही इस कोचिंग क्लास सेंटर पर बढ़ती गई है और उसी को छुपाने के लिए, उस सच को छुपाने के लिए यहाँ के एकेडमी के संचालक मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये माफियाना रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी प्रशासन ने कार्रवाई की है, आवश्यकता पड़ी तो शैलेंद्र पुलिसिया कार्रवाई की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में जहां पर दुर्घटना हुई वहां पर अब पुलिस भी पहुंची है और इस तरह की आगे कोताही न बरती जाए इसीलिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और कोचिंग माफियाओं को पनपने न दिया जाए इसलिए भी यह आवश्यक है। और कोचिंग क्लासेस में बच्चों को जिस तरह से दबाव में रखने की कोशिश की जाती है, उन्हें हसीन सपने दिखाए जाते हैं, दरअसल उन्हें काल के गाल में धकेलने का यह एक तरह का प्रयास होता है, जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है। शैलेंद्र, लेकिन जो रवैया वहां पे कोचिंग सेंटर संचालकों का देखने को मिला उसे साफ जाहिर है ये किसी माफिया की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे माफियाओं की दबंगई होती है उस तरह की दबंगई दिखाने का प्रयास है। मुझे आपकी आवाज नहीं मिली। बिल्कुल शैलेंद्र, सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, क्या ये कोचिंग माफिया दबंगई पर भी उतर आए, क्या मीडिया को सच दिखाने से भी रोकेंगे ये? जी देखिए, बिल्कुल आपको खुद नजारा नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से दबंगई, देखिए आपको ये शटर गिराते हुए किस कदर दबंगई यहाँ पर दिखाई जा रही है कोचिंग क्लासेस वाले, और इनके आप साहस देखिए,
कोचिंग माफिया का साहस देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर रोक रहे हैं, जो सील करके प्रशासन अंदर, क्योंकि स्टूडेंट भी हैं उन्हें भी बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। निश्चित ही ये बड़ा मामला है और किस तरीके से कोई कोचिंग माफिया हावी हो सकता है ये उसका उदाहरण है। प्रशासन ने कार्रवाई की, सील प्रशासन ने किया, लेकिन ये सच अंदर देखने से भी मीडिया को जाने से बच रहे हैं, छुपा रहे हैं। आखिर इन्हें क्या डर है? इन्हें बात करना चाहिए, अगर गलत नहीं है तो अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन ये लोग अंदर बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, शटर गिरा दिया कोचिंग क्लास में। कितने लोग अंदर हैं, कितना स्टाफ अंदर है, यह भी नहीं बताया जा रहा है। तो निश्चित ही लापरवाही के साथ साथ जिस तरीके से भोपाल में भी कोचिंग माफिया पनपा हुआ है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। आपको भी लगातार दिखाई दे रहा होगा कि देखिए सील करके इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दोनों बिल्कुल चैलेंज, और ये ऐसे कोचिंग माफिया बिना पुलिसिया कार्रवाई के संभव है कि इन्हें बात वो समझ में ना आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी की जान की बलि अगर यहां चढ़ी तो ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और आप नजर बनाए रखिएगा, शैलेंद्र फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे।